सुबह के समय नाश्ते में खाने को कुछ चटपटा और टेस्टी मिल जाए तो दिन भर मूड अच्छा बना रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन। आज मैं बना रही हूँ आटा वेज पेटीज। इसे आटा वेज रोल्स भी कह सकते हैं। यह बहुत ही खाने में टेस्टी और डिलीशियस होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए चाहिए हमें एक कप आटा जो मैंने ले लिया है, आधा कप सूजी, 1/4 कप चावल का आटा है ये, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने मिला दिया, नमक हल्का सा। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, इसको एक अच्छा सा स्मूथ डो तैयार करेंगे इसका। रोटी से थोड़ा हार्ड होना चाहिए इसका आटा। इसमें सूजी है इसलिए थोड़ा पानी ये एब्जॉर्ब करेगा। इसको गूंथने के बाद ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। आटा मेरा तैयार है, अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। आइए इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने पनीर लिया है 1 कप, जिसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 2 चम्मच स्वीट कॉर्न, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, फ्रोजन हरी मटर 2 चम्मच है ये, एक बारीक कटा प्याज, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी, बहुत ही थोड़ा सा जीरा, अजवाइन 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, नमक, नमक मैं हल्का ही यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने आटे में भी मिलाया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बॉयल आलू मिलाना हो तो मिला लें, कोई बची हुई सब्जी है तो आप उसको भी मिला सकते हैं। ये तैयार हो गया, अब आइए लोई बनाते हैं। पंद्रह मिनट हो चुका है आटा को रेस्ट किए हुए, अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। रोलिंग पैड पे इस तरह से छोटे छोटे पेड़े काट लें। और सब मैं रख दे रही हूँ, इसके ऊपर एक गीला कपड़ा लगा दे ताकि वो सूखे ना। इसे अच्छे से बारीक बेलना है। इसे मैंने बेल लिया, ये देखिए बिल्कुल बारीक बेलना है। अब मैं इसमें ये स्टफिंग इस तरह से भरूंगी, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दे एक जगह। ये मैंने थोड़ा पानी लिया है, इसे किनारे किनारे अच्छे से इस तरह से लगा दे।
अब इसको ऐसे फोल्ड करें, इस तरफ से ऐसे, पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाता है। अब इस तरह से ऐसे बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से, ये देखिए इसे हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे। इसी तरह आइए सब तैयार कर लेते हैं। वेज आटा पेटीज मेरे तैयार हैं, अब आइए इसको फ्राई करते हैं। तेल को मैंने लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। थोड़ा सा आटा डालकर देख चेक कर सकते हैं, ये देखिए अब इसमें वेज आटा पेटीज अपने डाल देंगे इस तरह से। इसे मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। ये देखिए आंच को मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। अब इसको पलट देंगे इस तरह से, ये देखिए गुलाबी कलर होने लगा है ये। पेटीज बिल्कुल तैयार है, ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख चुका है ये। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और सारे सामान आसानी से घर में मिल जाते हैं। ये बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आता है। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम को स्नैक्स में बच्चों को दें। इस तरह से मैं प्लेट में इसे निकाल लूँगी। ये देखिए मेरे वेज आटा पेटीज तैयार हैं। ये अंदर से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।